या स्त्री बनती नहीं, एक जन्म में पुरुष तो एक जन्म में स्त्री, तो पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, इसमें नई बात क्या? पुरुष जब दुर्योधन दुष्ट युद्ध करता है तो उसकी बुद्धि में ये थोड़ी रहता है कि हम दुर्योधन, उसकी बुद्धि में तो ये रहता है कि ये तो हमारे सुख के लिए है। तो पुरुष चोला तो सभी आत्माएं लेती है, तो पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब है वो पूरे हो रहे। ये अंतिम जन्म, फिर उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। तो बाघेलियों के तो और ही जाति ताप कटते हैं, क्योंकि वो जाति शिव बाबा को याद करते हैं। क्यों? जिस पर ज्यादा सुख पड़ेगा तो ज्यादा याद करेगा, दुख में जिस पर कम होगा तो दुख भी है, दुखी तो भगवान को क्यों याद करेगा? देवता के स्वर्ग में भगवान को याद करते हैं। तो और ही जाति पाप करते हैं, क्योंकि जाति शिव बाबा को याद करती हैं, अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना चाहिए, ये तो अच्छा है, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी ये तो भलाई हुई ना। भले मार खाओ, ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। यहाँ क्या क्या मार खाएंगी? भूले होंगी, बाप के सामने भूले क्यों, बाप के सामने भूले क्यों होंगे? क्या भूले होंगे बाप के सामने भूले क्यों होंगे? भाई भूल कब होती है? जब याद नहीं रहती, याद नहीं होगी तो भूल होगी, जब भूले हो तो समझ लो याद हमारी आदि विचारी नहीं है, जरूर कहीं न कहीं मिस याद है। तो ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए, मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। क्या कहते हैं? गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। ज्ञान की गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, मुख में ज्ञान अमृत पड़ रहा है और ऐसे में प्राण तन से निकल जाए, तो असली ज्ञान गंगा कहाँ से बहती है? भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? ऊंची तेज से शंकर की जटा से ज्ञान की गंगा बही, और जो सन्मुख बैठा हुआ सुन रहा है उस समय अगर उसकी मौत हो जाए तो क्या होगा? है? तो फिर काशी हो जाएगा कि नहीं? तुमको जब मार मिलती है बुद्धि में अलग और दे याद हो, उस समय क्या बुद्धि में होना चाहिए? अलग माना अल्लाह और दे माना बाप का, ये बाबू को मिलने वाली। क्यों? क्योंकि बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले विश्व की बात नहीं पावेंगे। बाबर कहने से वर्षा जरूर याद आएगा, ऐसा कोई जानवर भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप की तरफ मिलती है तो जरूर याद आएगी, जब बाप याद आएगा तो बाप की प्राप्ति भी जरूर याद आएगी। और बाप कितने बताए? तीन बाप। कौन कौन से? लौकिक बाप, लौकिक बाप कौन? स्वर्ग पिता। अच्छा, और अलौकिक बाप? ब्रह्मा। और प्रजापिता ब्रह्म, सूक्ष्म मतन वासी हुआ अलौकिक बाप।
और इस साकार सृष्टि पर साकारी तेज वाला लौकिक प्रजा के साथ प्रजापिता लौकिक पाप जो सूक्ष्म बतन में है इस लोक में नहीं है अलौकिक, इस लोक का नहीं है अलौकिक, अलौकिक माने सूक्ष्म बतन का दूसरे लोक का ब्रह्म और तीसरा बार लोक की बात कौन सुप्रीम सोल। अच्छा भैया तो ये देह का बाप कहाँ गया है प्रजापिता, प्रजापिता ने क्या देह को पैदा किया? हाँ वो तो पूरे जन्म का हो गया, पूरे जन्म के बाप को कोई थोड़े नाम लेता है, है? भले गोद भी लेते हैं तो भी पूरे जन्म के वो तो पुराना उससे क्या लेना देना, उससे क्या प्राप्ति नहीं, तो गोद ले लिया जब दूसरे बाप को बाप बना लिया गोद ले लिया तो भले स्मृति में रहता है तो उसने शरीर को जन्म दिया लेकिन प्राप्ति किससे होगी जो प्राप्ति करने है। हाँ तो गोद लिए मेरा काट तो ज्योति बिंदु वो तो उसने समाया ही हुआ पारलौकिक बाप। हाँ तो आलस और देह याद हो, बाप और बाप का जलसा याद हो। अच्छा तो जिसकी बुद्धि में ये याद होगा कि प्रजापिता हमारा बाप है, है? और उसके ऊपर पड़ रही है मार, फिर तो वर्षा कैसे याद आएगा, क्या वर्षा याद आएगा? प्रजापिता अगर बुद्धि में होगा और मार पड़ रही है तो प्रजापिता से तो कुछ वर्षा मिलता नहीं इस जन्म में, प्रजापिता के द्वारा बाप देते ना, लेकिन बाप बिंदु की याद नहीं आई, आई प्रजापिता की याद, फिर क्या होगा? है? है? भाई याद भी तो सब आती है जबकि किसी से कुछ प्राप्ति होती है, याद कब आती है? स्त्री को पति याद क्यों आता है? पति से सुख मिला है तो याद याद आती है, तो प्रजापिता भी कब गया कब याद आएगा? है? कुछ कुछ कतिगुण है कतिगुण, हाँ संगम पर कुछ जिन जिन आत्माओं का जो जो जैसा संबंध है वो किस आधार पर है? 63 जन्मों के 84 जन्मों के आधार पर ही है ना। तो ये बात निश्चित हो जाती है कि जिन आत्माओं को जो सुख की प्राप्ति की अनुभूति होती है उसके आधार पर जो याद आती है वो भी ड्रामा में डूबी हुई है। तो रामकृष्ण की आत्माएं अनेक जन्म जिनके साथ रहे वो आत्माएं श्रेष्ठ हुई या निकृष्ट हुई? श्रेष्ठ हुई। तो बाप और वर्षा याद न पड़े ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं, बाप के साथ मिलती है तो जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षा कौन सा है? सुख का, सुख को ही स्वर्ग कहा जाता, वो तो तुमको विष के लिए मार दे करके शिव बाबा की याद दिलाते। कौन? पति जो होते हैं साकार वो किस लिए मार पिटाई करते हैं? दुख के लिए मार दे करके शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तो वो कौन हो गए? तुम्हारी कल्याणकारी हुए या अकल्याणकारी हुए? कौन हुए है? रूपराम वो पति कौन हुए? कल्याणकारी हुए, खूब पिटाई करेगा। है तुम बाप से वर्षा पाते तुम्हारे पाप कट जाते हैं, ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। क्या? हाँ तुम गुप्त पांडव सेना हो तो ये तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, कौन सी लड़ाई? महावारी महाभारत गृह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा तो खूब युद्ध होने दो,
कोई स्थूल युद्ध की तो बात ही नहीं है। युद्ध कौन सा है, है? कौन सा युद्ध है? तो विकारों का युद्ध है, घर घर के विकारों का युद्ध है। तो इस विकारी युद्ध में तुमको कोई हाथ पांव नहीं चलाना है। फिर पति मारते हैं तो हम भी पिटाई कर देंगे, है? हम भी लतसंग कर देंगे, लातें चलाए देंगे ना? क्या करना? शिव बाबा की याद में। तो ये गुप्त कल्याण है। अरे वो भी बाहुबली बने और तुम भी बाहुबली बन गए, तो फिर तो जज तो तुम ही हो गए। ला तो तुमने अपने हाथ में उठा लिया। तो ये भी तुम्हारे लिए ड्रामा में गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी तुम्हारे लिए अच्छी हुई। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर बहुत जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन इज महाभारत। क्या लिख दो? हाँ, सर के गेट खोलने वाला महाभारत युद्ध है, ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी। और उसमें लिखो क्या? गेट वे टू हेवन इज महाभारत, महावारी महाभारत युद्ध, गृह युद्ध। वो तो स्थूल युद्ध समझते हैं, वो हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं, स्थूल हिंसा वाले युद्ध की। ये कौन सा युद्ध है? विकारों का युद्ध। और ये विकारों का युद्ध ही खूब पिटाई पीटते रहो, वो खूब पिटाई पीटते रहे, तुम शिव बाबा की याद में बने रहो, तो ये स्वर्ग के गेट खोल, पाप का घड़ा बराबर बढ़ेगा और फिर फूट जाएगा। तो दोनों अस्त्र होने चाहिए। हाँ, नई दुनिया, जोर से बोलो। हाँ बाबा, बच्चे बाबा बचाते क्यों नहीं? बाबा ने कर्म बंधन बांधे हैं, वो है, वो कर्म बंधन सबके बाबा ने बांधे हैं। बाबा ने कर्म किए होंगे तो बाबा पिटेगा, है? आत्मा ने कर्म किए होंगे तो अपने कर्म बंधन, आत्मा ही है अपने, वो उनके उड़ रहे होंगे, है? बाबा अपने कर्म बंधन काटेगा। जिसको तुम बाबा कहती हो उसने तो दोनों है, है? उसने दुर्योधन सुशासन भी बैठा हुआ है प्रजाति का, और उसने शिव बाबा भी बैठा हुआ है। तो प्रजाति का वाली सोला अपने कर्म बंधन काटे, और शिव बाबा की तो कर्म बंधन काटने की बात ही नहीं है, वो तो पढ़ाई पढ़ाने वाला है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन ये है, तो मनुष्यों को सुनकर के खुशी होगी, वाह भैया। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है आकर के देखो। गेट वे ये अक्षर भी ठीक है क्या? नई दुनिया स्थापन करने का है गेट वे, दरवाजा कैसा है? ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट खुलते हैं, इस लड़ाई के द्वारा ही गेट खुलते हैं। गेट वे टू हेवन, नई दिल्ली का गेट। कौन सा नई दिल्ली का गेट बना हुआ? क्या नाम है उसका? इंडिया गेट, यही इंड लाएगा इंड। क्या नाम रख दिया? इंडिया, इंड आ जाएगा, काय का भी इंड आ जाएगा, इस विकारी दुनिया का इंड। अति की फिर क्या होती है? अंत हो जाता है। जब तक अति नहीं हुई है तब तक अंत भी नहीं हो सकता। तो बच्चे तुम्हारा बाप आया, क्या मतलब है? बच्चे तुम्हारा बाप आया होगा। गीता में भी ये भगवान आया था, आकर के राजयोग सिखाया था,
तो कैसे राजयोग सिखाया था? बच्चे गृहस्थ में रहते थे और खुद निवृत्ति में रहकर भी राजयोग सिखाया। सिखाने वाला मास्टर खुद अगर प्रैक्टिकल में ना कर पाए और स्टूडेंट को कहे कि तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो बच्चे कर पाएंगे? प्रैक्टिकल भी कौन करके दिखाता है? टीचर ही करके दिखाता है ना। तो बाप ने खुद घर घर में रहते राजयोग सिखाया। मनुष्य कितना कोशिश करते मून में जाने की, चंद्रमा पर जाने की मनुष्य कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि चंद्रमा पर स्वर्ग है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उन्होंने पक्का समझ लिया कि चंद्रमा पर स्वर्ग होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान चंद्रमा पर क्या समझते हैं? स्वर्ग है। देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। कहां चंद्रमा पर धरणी ही धरणी देखने में आती है। इतना सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? जब बामूल पर जाने की कोशिश करते हैं होकर के आते भी हैं तो क्या सुनाते हैं? वहां धरणी ही धरणी है, वहां मनुष्य, मनुष्य देखने में नहीं आते। इससे फायदा ही क्या है कि जहां धरणी ही धरणी है, आधार तो है और उस पर रहने वाला कोई है नहीं, तो इससे फायदा क्या हुआ है? अभी तो बिल्कुल रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, यह है साइलेंस देश। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़कर जाना चाहते हो, यही बुलाते हो कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। महाकाल को इसलिए बुलाते हैं है? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी, परंतु समझते थोड़े ही है कि कौन सी मौत के लिए बुलाते हैं। वो समझते हैं शरीर छूट जाए, परमधाम चले जाए, वो कोई मौत थोड़े ही हुई। असली मौत क्या है? जीते जी मर जाना। ये हुआ जीते जी मर जाना। बाप ने डायरेक्शन दिया कर्म इंद्रियों से, कर्म करते बाप की याद में रहो, कुछ मत करो। क्या करो? कर्म करते बाप की याद में रहो, कर्म इंद्रियों के आकर्षण में ना आओ। बाप की याद रही नहीं और कर्म इंद्रियों के आकर्षण में आते रहे तो क्या होगा? तो बाप की याद तो आएगी नहीं, फिर तो कर्म इंद्रिय आनंद आता है वही, फिर आनंद दाता जो निमित्त बना होगा वो याद आएगा। तो फिर बाप को दोष देने की बात नहीं है, बाप तो साफ साफ पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप को लिए मौत, बाप को क्यों बुलाते हो? मौत के लिए बुलाते हैं ना कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। जैसे तुम किसके साथ, जैसे बाप मुक्त है अनुभव कर रहा है, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है, तो क्या स्वर्ग में बैठा हुआ है बाप? बाप प्रजापिता क्या स्वर्ग में बैठा होगा क्या? है तो इसी दुनिया में, इसी टीचर की दुनिया। तो जब वो अनुभव कर सकता है तो बाप के जो साथ ही बच्चे होंगे, नजदीकी बच्चे होंगे, वो उस स्टेज का अनुभव नहीं कर सकते। तो तुमने बुलाया ही है कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। साथ का मतलब, साथ का मतलब क्या? कंधे कर जाए। साथ और हाथ का मतलब क्या है? श्रीमत रूपी हाथ और बुद्धि का साथ। परंतु समझते थोड़े ही हैं क्या कि अपने साथ आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ, इसका अर्थ क्या है?
और समझते हैं कोई ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाने की बात नहीं है, पतित्र पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, कालों का काल महाकाल, सदगुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, सदगुरु को नहीं बुलाया, हे पतित पावन आओ, किसको बुलाया, अपने काल को बुलाए दिया, मौत को बुलाया। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ, कहते हैं चलो घर, क्या हा? कहते हैं चलो घर और हम घर जाते हैं, बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि की तरफ दौड़ती होगी, फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। अरे फलाना बीमार है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा तो एक बाप दूसरा ना कोई, दुनिया में जाने कितने बीमार होते रहते, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और बरसे की तरफ रहे, किसी के लगाव की तरफ न जाए, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है और समाचार आ गया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सकेगा। क्यों भाई, अरे अरे बच्चा है तो बच्चा किसको दे दिया तुमने, बाप को दे दिया, तुम तो निश्चिंत हो गए, ये तन मन धन सब तेरा, तो बच्चे भी क्या है, तन है ना, बच्चे भी अपने तन का हिस्सा है ना, तभी तो पैदाइश हुई, तो बच्चे भी अपना तन है, बच्चा बाप को दे दिया तो किसका हो गया, बाप जाने बाप का काम जाने, बच्चा बीमार होता है तो तुमको याद क्यों आती, बाप को आएगी तो फिर बाप को याद आए ना, तुमको याद क्यों आई। समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाए, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, अगर ऐसी स्टेज आ गई तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया, क्या हा? कोई ऐसे भी होते हैं घर बार छोड़े आते हैं, समझे, कोई ऐसे हैं घर है? घर बार तो छोड़ दिया, बैराग आया घर बार छोड़ दिया चले आए, फिर आने के बाद समाचार आया पति का हार्ट फेल हो रहा, उनको घबराहट पैदा हो रही है, फिर क्या करते हैं, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठने पर कि बाप आया हुआ, ज्ञान ज्ञान सब उड़ जाएगा उसका, क्यों कि अनेक जन्मों का लगाव है तो कौन याद आएगा, वो याद आएगा जहां अनेक जन्मों का लगाव होगा, फिर भाग जाएंगे। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना, तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो तो भी यह हो सौभाग्य, क्या अगर ऐसी भी अवस्था बन जाए कि यहाँ बैठे शिव बाबा की याद आती रहे, बलकार आ जाए कि ये बीमार है वो बीमार है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़े तो अहुस होगा। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो, कोई बीमार आदि है जानते हैं मरना होगा मर जाएगा, जिंदा रहना होगा जिंदा रह जाएगा।
तो सभी की बात बता रहे हैं, पांडवों को क्या पत्नी नहीं होती है? कोई बीमार आदमी है, जानते हैं मरना होगा मर जाएगा, हम तो अपने बाप से वर्षा लेते हैं, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा, दूसरा कोई याद नहीं आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ, किसको समझाओ? मेरे भक्तों को। ये किसने कहा? ना क्या इसका मतलब? शिव बाबा भगत भी बनाता है, शिव बाबा आकर के भगताई भी सिखाता है। शिव बाबा तो कहते हैं भक्ति रावण से आती है, शिव बाबा तो भक्तों को पसंद नहीं करता है। मुरली में तो बोला हुआ मैं भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होता। कौन से भक्त है? यही कहा कि बाप आकर के भगत भी बनाता है क्या? मेरे भक्तों को समझाओ, यानी भगवान के भगत अलग होते हैं और देवताओं के भगत अलग होते हैं और भूत प्रेतों के भगत अलग होते हैं। सब अपने अपने भक्त भी बनाते हैं, प्रजा भी बनाते हैं, वारस भी बनाते हैं क्या? जन्म जन्मांतर हर आत्मा के वारसदार भी तो बनने वाली आत्मा होगी, तो वो यहाँ बनते हैं। भक्त बनने वाली भी आत्माएं हैं यहाँ बन रही है, प्रजा बनने वाली भी आत्माएं यहाँ तो बाप के भी भक्त भी। कौन से बाप के? शिव बाप के। शिव बाप तो ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान सागर, वो थोड़े ही भक्त बनाता है, वो तो आकर के ज्ञान ही बच्चे बनाता है। इसका मतलब हुआ कि वो जितने तन में आता है उस साकार बाप के प्रजापिता के भक्त भी होते। तो मेरे भक्तों को समझाओ, जो मेरे भक्त होंगे जन्म जन्मांतर के, एक शिव की भक्ति करने वाले, तो ये मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? पूछा। कौन सी आत्मा ने कहा? शिव बाबा। क्या जवाब? शिव बाबा। क्योंकि शिव बाबा कहा ही जाता है आत्मा निराकारी और साकारी के मेल को, सिर्फ बिंदु को शिव कहा जाएगा। शिव बाप है आत्माओं का, वो बाबा बाबा नहीं है, दूसरे संबंध नहीं बन सकते आत्माओं के आत्माओं के साथ। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं क्या? मेरे भक्तों को पहले समझाओ, फिर अगर कोई कृष्ण के भक्त हैं, ब्रह्मा वाली सोल के भक्त हैं, तो उनको क्या समझाओ कि वो ब्रह्मा की सोल अब प्रैक्टिकल में नई दुनिया स्थापन कर रही है। नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे वो कृष्ण के भक्त? मानेंगे नहीं मानेंगे। वो क्या है? कृष्ण तो बैकुंठ में होता है, वो क्या स्वर्ग में स्थापन करेगा? वो तो है ही स्वर्ग में, क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ा ही क्रिएटर है। कृष्ण तो रचना है, उनको समझाओ। कृष्ण थोड़े ही गॉड फादर है, परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नहीं बनाए रहे, ये मानेंगे भी नहीं तो पुरानी, नहीं तो पुरानी, पुरानी तो नहीं होती है, फिर टाइम बहुत देने से मनुष्य घोरन जारी में आ गई। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहस है, ये बुद्ध रूपी हथेली, और इसने तुमको सारा स्वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी बुद्ध रूपी हथेली में तुम्हें सब कुछ स्वर्ग का सारा नक्शा दिखाई पड़ रहा है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग लाया हूं तुमको उसका मालिक बनाने, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद करो और पवित्र रहो, क्या करो? मुझे याद करो और पवित्र रहो। पवित्र रहो का मतलब ये नहीं है दूरबाज खुशबाज हो गए, सन्यासियों निकल घर घाट छोड़ गए, वो कह दिया हम क्या है,
पवित्र, ये कोई पवित्रता नहीं है। पांचों विकार से, अरे कीचड़ में रहते हुए भी शरीर से, दस विहार में रहते हुए भी अगर मौका पड़ जाए ऐसे युद्ध का, वो है धर्म युद्ध, तो उसे कीचड़ रखने की बात नहीं है। रहते हुए भी बुद्धि उसमें लिप्त न होने पाए, क्योंकि युद्ध कोई अपनी तरफ से थोड़ी लड़ता है। युद्ध कब लड़ते हैं? जब कोई दूसरा आक्रमण करता है तो युद्ध लड़ना पड़ता है। कोई कोई फिर दूसरों पर आक्रमण कर देते हैं, क्या उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है, नहीं वो खुद ही आक्रमण कर देते, तो वो कौन हुए? तो बहुत दुर्योधन दुष्ट युद्ध वाले। दूसरे की इच्छा है या नहीं है, लेकिन वह आक्रमण कर दिए तो क्या हुए? दुर्योधन अखाड़े में दो पहलवान पहुंचते हैं, एक उस्ताद पहुंचता है, एक शागिर्द पहुंचता है, और दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दोनों की इच्छा हुई या नहीं हुई है? कि दुष्ट युद्ध हुआ, उसको क्या कहेंगे? वो तो इच्छा से लड़ रही, प्रैक्टिस कर रही। और दुष्ट युद्ध कब हुआ? एक इच्छा नहीं, एक ये ऊपर जबरदस्ती बलात्कार हो रहा, तो वो हो गया दुष्ट युद्ध। तो तुम्हारे लिए अब हथेली कर बैठते हैं, बाप कहते हैं स्वर्ग लाया हूँ तुमको उसका मालिक बनाने, बनेंगे? वाह क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद करो और पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि कर्मों का बोझ आत्मा पर है न कि शरीर पर है, क्या शरीर से तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो शरीर के ऊपर बोझ आए क्या? शरीर के ऊपर तो बोझ आया नहीं, बोझ किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर बोझा है। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ विकारों की खाद पड़ती है। क्या विकार? जब खेत होता है, धरणी होती है, धरणी में जब खाद डाली जाती है तो फसल बहुत पैदा होगी, और जब बहुत फसल पैदा होगी तो देश क्या होगा? खुशहाल होगा, बहुत सुखी होगा, समृद्ध होगा। तो एक तो होता है खाद डाले करके बहुत सारी फसल पैदा करना, और फसल तो खाद डाली नहीं जाती, बगैर खाद के ही करने सोना बनती, तो वो है पवित्रता की बात, असली प्योरिटी। और यहाँ प्योरिटी तो है नहीं, फिर क्या करते हैं? विकारों की खाद डाल करके क्या करते हैं? धरणी में से सुख रूपी फल खींचते। तो आत्मा तो अविनाशी है, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, खाद खाई की है विकारों, तो आत्मा पर खाद न पड़ने पाए। कोई दूसरा डाल भी रहा है लेकिन उस समय हमारी स्टेज कैसी हो? है कैसी स्टेज हो? ऊंची से फल, हाँ बुद्धि जब बाप की तरफ लगी हुई होगी तो विकारों की खाद हमारी आत्मा में बुद्धि में पड़ ही नहीं सकती। जिनको उस हाँ आत्मा तो है ये बिना कि उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिसको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते हैं, क्या कि मगर माँ एक कम याद कर प्रकृति पावन बनने की युक्ति देखो कैसी अच्छी बता रहा हूं। अच्छी युक्ति तो कर ही जाइए ना फिर। मंदिर बनाने वाले शिव की पूजा करने वाले भी भगत है ना, क्या? हाँ वो मंदिर बनाते भी है, बना करके शिवलिंग स्थापन किया, नाम रख दिया शिव बाबा। भगतों का काम क्या? मंदिर बनाया, चैतन्य मंदिर भी प्रैक्टिकल में बनाते हैं, नाम क्या रख देते हैं? शिव बाबा है। शिव की पूजा भी करने वाले हैं, क्या पूजा? पूजा किसकी होती? देहधारी की या बिंदु की? देहधारी की पूजा होती, पूजा भी शिव की करने वाले हैं। सेवा चतुर्था को क्या कहते हैं? पूजा।
शिव की पूजा भी करने वाले भक्त हैं ना, मंदिर बनाने वाले भी। पुजारी को कभी पूज्य नहीं कहेंगे क्या? जब पूजने वाले हैं तो कौन है, पूज्य हुए या पुजारी हुए? पुजारी, पूज्य माने पवित्र। पुजारी राजाओं ने क्या किया, भिखारी राजा होते थे तो पूज्य देवताओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। शूटिंग किस समय होती है? इसी समय शूटिंग होती। तो पुजारी को कभी पूज्य कह न सके, अगर खुद पूज्य हो तो पूज्य होने का आधार है पवित्रता। तो पवित्र होने की युक्ति बाबा बताए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। यह है 7 नंबर के रजिस्टर में 24 पेज पर 31.95 का प्रातः ज्ञान गीत है, नैन हीन को राह देखा होगा। 31.95 ये सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले ही अंधे हैं, उनको नैन है नहीं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है जो प्रभु की राह को देखे। तो भक्ति मार्ग के गीत है, तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रसम रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर जाना, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ बाप आकर सब तकलीफों से छुड़ाए देते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है, ये कायदे मुजीब नहीं है। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा, कैसे मुख से बोलने में। बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है हम आत्मा हूँ, बाप ने कहा हमको याद करो, अंतर्मुख हो बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिनके तुम्हारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे फिर तुम वापस चले जाएंगे, इसकी विपरीत होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं, अपने साथ रूढ़िहान करते रहना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ, ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा, माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। प्रतिदिन कोई बंधन नहीं होता, ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। क्या अर्थ? पुरुषों में उत्तम बनने का युग, और पुरुषों में उत्तम कौन कौन है उनके प्रत्यक्ष होने का युग। यह हर बात अर्थ सहित लिए है, बाकी तो सब है। देहाभिमानी जो बातें करेंगे तो अनर्थ है, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित उनसे फल निकलेगा। हर भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण, उनके ही 84 जन्म बताए देते हैं। काहे के मालिक थे? विश्व के मालिक है, सतयुग के नहीं, विश्व के मालिक है लक्ष्मी नारायण, जो विश्व के मालिक थे पहले नंबर में थे।
उनके ही 84 जन्म बताए देते हैं, तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है? ये पहला नंबर वो 84 के चक्र में आता है। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे एक हुआ सदैव कायम ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही कृष्ण किस रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर के समझाई है, ये पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोग लोगों को व्यापारियों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता, वो तो अपना काम पूरा किया खला। व्यापारियों के पास तो कभी भी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, उद्योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश करके समय निकालना चाहिए, अमृत देने का समय है, उस समय बाहर के विचारों को लाकत कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। कल्प कंप ये मत मिलती है समो प्रधान कृषत्व प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मां बेटा याद करो, उसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। कौन सा वशीकरण मंत्र? मन मना भव, मन को मेरे में समा दे, अर्थात मन के संकल्पों को मेरे में मर्ज कर दे। जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प, बाप कहते हैं मैं अद्विचारी याद चाहता हूँ। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अद्विचारी है, फिर व्यविचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। तो यहाँ फिर याद है, यहाँ पूजा नहीं है, यहाँ क्या है? याद। तो याद कैसी होनी चाहिए? अब भी विचारी पहले की अद्वैत भक्ति, एक ही भक्ति करते थे, ज्ञान भी उसे का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हुआ हूँ, ये भक्ति कल्प अभी पूरा हुआ, आया हुआ हूँ। कहाँ आया हुआ? यहाँ आया हुआ हूँ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर भी विचारी भक्त बनने से दस में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक में श्रद्धा विश्वास रखने से सुख, और अनेकों में जाने दुख। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक ही का सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, तो बाबा तो उसे कोई है नहीं, याद भी सब उनको करते ही। भारतीय स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको ऐसा किसने बनाया जिसकी फिर तुम पूजा करते हो? इसको पता नहीं है का आगे जन्म कौन सा था। तुम बच्चे जानते हो जगदम्बा है, तुम सब माता है, सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है,
तुम सब सृष्टि शक्ति लेते हो योग बल से, शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगुली लगाते हैं तो बहादुर होकर के लड़ना चाहते, ऐसे नहीं कि कोई ने अंगुली लगाई और तुम फट पड़। तो ये माया का युद्ध है। बाकी कोई कौर और पांडवों का युद्ध नहीं है, माया माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध। कौर और पांडवों का युद्ध नहीं है, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो आपस में लड़ पड़ते हैं जमीन के लिए, एक दो को जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, गला काट देते हैं, बात आकर के समझाते हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां था सुख है, नाम ये सुखदान, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जब की बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। गली गली कहता हूँ बच्चे थको मत, तुम बाबा को याद करते रहो, वो भी बिंदी है, हम भी आत्मा बिंदी है। या पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है, अब बाप कहते मुझे याद करो तो भीतर मिला, भीतर आत्मा परी करते शरीर से यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर दे, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। किससे पाप करते हैं तो पाप का तो प्रायश्चित करना चाहिए, शरीर को खत्म कर देने से तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो आपदात हो गया, दूसरा शरीर मिलेगा फिर पाप करने लग पड़ेगी, क्योंकि आपदात ही महापापी कहा जाता है। तो उससे कोई पाप नहीं खलास होगा, साफ आत्मा कहा जाता है। साधु संताज तो कह देते आत्मनिर्लेप, आत्मा तो परमात्मा। अनेक मठ है जो घर से रूठा है वो जाकर गुरु बन बैठता है, वो है ज्ञान नीति रहित अंधे कौन है, जो जो घर से रूठ जाते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नहीं चलता। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बात, ज्ञान की बात है। बाप ही आकर के समझाते हैं, वो भी प्रकृति के बीच में आकर बैठते हैं, बाजू किसके बाजू, ब्रह्मा के बाजू में, ये भी जट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठ करके समझाते हैं, ये कैसे समझ लेते हैं। जब नई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो समझ लेते हैं कि बाप हमारी बाजू में बैठे, विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है, तुम जैसा सौभाग्यशाली कोई दूसरा खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही है मिलता, अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप भारत को पुनः बनाए रहे, हम पढ़ते हैं वहां जाने के लिए, कार्य भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये वो ही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। ये है इनकम क्या है? इनकम हुई